हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा आज किस चीज की जानकारी लेकर आया हूँ। तो अच्छा, आप लोग खुद बताइए कि किस किस को पता है स्वाहा का क्या अर्थ होता है। स्वाहा मतलब जब हम घर पे कोई भी हवन या आहुति देते हैं तब स्वाहा का उच्चारण किया जाता है। स्वाहा का अर्थ किसको किसको पता है? चलिए, अगर नहीं पता है तो इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। क्यों स्वाहा कहें? बगैर पूरी कहे बगैर पूरी नहीं होती यज्ञ की आहुति। क्या मतलब है स्वाहा का? हर धार्मिक अनुष्ठान के अंत में हवन जरूर होता है। अगर आप हवन और यज्ञ से परिचित हैं तो आप यह भी जरूर जानते होंगे कि यज्ञ में हवन आहुति देते हुए स्वाहा बोला जाता है। घर में यज्ञ करवाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। हर धार्मिक अनुष्ठान के अंत में हवन जरूर होता है। अगर आप हवन और यज्ञ से परिचित हैं तो आप यह भी जरूर जानते होंगे कि यज्ञ में आहुति देते हुए स्वाहा बोला जाता है। घर में यज्ञ करवाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। कहते हैं कि स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है। हाँ, स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है, जिस कारण हवन में आहुति देते समय स्वाहा मंत्र का उच्चारण किया जाता है। हिंदुओं के लिए यज्ञ और हवन का एक बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हवन की आहुति को स्वाहा कहे बिना पूरा नहीं माना जाता। ज्योतिषविद अनीश व्यास ने बताया कि कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जा सकता जब तक कि हवन का ग्रहण देवता हवन को ग्रहण देवता ग्रहण न कर लें। देवता हवन को तभी ग्रहण करते हैं जब हवन सामग्री को अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पण किया जाए। इस पर आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार स्वाहा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी जिसकी शादी अग्नि देवता के साथ हुई। अग्नि देवता अपनी पत्नी स्वाहा के माध्यम से ही हविष्य ग्रहण करते हैं तथा उनके माध्यम से ही हविष्य आह्वान किए गए देवता को प्राप्त होता है। इसी के साथ दूसरी कथा है कि अग्निदेव की पत्नी स्वाहा के पावक पवमान और सुचि नामक तीन पुत्र हुए। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वाहा को वरदान दिया था कि उसके नाम से देवता हविष्य को ग्रहण कर पाएंगे, इसलिए हवन के समय स्वाहा मंत्र का उच्चारण किया जाता है। हर धार्मिक अनुष्ठान के अंत में हवन जरूर होता है। अगर आप हवन और यज्ञ से परिचित हैं तो आप यह भी जरूर जानते होंगे कि यज्ञ में आहुति देते हुए स्वाहा बोला जाता है। घर में यज्ञ करवाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है।
कहते हैं कि स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है, इस कारण हवन में आहुति देते समय स्वाहा मंत्र का उच्चारण किया जाता है। हिंदुओं के लिए यज्ञ और हवन का बड़ा महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हवन की आहुति को स्वाहा कहते हैं। बिना पूरा स्वाहा के बिना आपका हवन पूरा नहीं होता, या यूं कहें कि स्वाहा के माध्यम से ही आप जिस कार्य के लिए अपना हवन करवा रहे हैं तो आप देवी देवता को जो प्रसाद ग्रहण करवाते हैं वह प्रसाद हवन के माध्यम से, अग्नि देवता के माध्यम से और स्वाहा के माध्यम से ही देवी देवता तक पहुंचता है। तो दोस्तों, आपको स्वाहा की जानकारी कैसी लगी? अगर आशा करता हूं कि आपको अच्छी ही लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो पर ज़रूर कमेंट करिएगा और बने रहिएगा चैनल पर। मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी सुनने के लिए। राधे राधे। बाय बाय सभी को।